Hey guys, welcome back to my channel. This is Geeta Balmiki. So guys, आज हम लोग आए हैं शोले's किचन जो कि मध्यम ग्राम में है और आज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं यहाँ का थाली जो कि फेमस है. तो चलो मेरे साथ देखते हैं कैसा होता है. तो बेसिकली आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ, शोले's किचन जो है वो शोले जो फिल्म है उसके नाम से बनाया गया है. तो यहाँ पर थाली भी कुछ उस तरीके का नाम है, गब्बर थाली, ठाकुर थाली, ऐसा कुछ है. तो मुझे अब भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो अंदर चलते हैं, खाना ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है, उसके बाद आप लोगों को रिव्यू दूंगी. बस देख सकते हो ये एरिया जो है ये नया बनाया गया है, शोले's कैफ़े लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये इनका किचन एरिया है. और ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, देख सकते हो. और ये देख सकते हो ये यहाँ पे एंट्रेंस है. तो गाइस ये रही सुष्मिता, यहाँ बैठी है. गाइस मैं बाहर वीडियो बनाने गई थी तो तब तक इसने कुछ पूछ लिया है. क्या पूछा? मैंने सुना कि जो यहाँ कातला थाली 189 का, यहाँ पे कोई अगर किसी का चॉइस अगर है कातला नहीं लेकर कुछ और फिश जैसे कि पापड़ हुआ या कुछ और हुआ तो सेम प्राइस में वो लोग देंगे. तो गाइज अभी हम लोग ड्रिंक्स चूज़ कर रहे हैं, देखते हैं कौन सा ड्रिंक्स पीना है. सुष्मिता ने तो पीना कोलाड़ा बोला है जो कि पाइनएप्पल बेस है, और मैं मोहितो तो पीती ही हूँ, मुझे अभी भी मन कर रहा है मोहितो ही पीऊँ. क्या करूँ बोल, क्या फिर मेरे को लग रहा है मेरे को ब्लडी मैरी ट्राई करना चाहिए. मैंने बस पूछा पीना कोलाडा के बारे में, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया. अच्छा तूने ही तो बोला पीना को. मैंने डिसाइड अच्छा डिसाइड नहीं किया. तो गाइस मैंने एक रेनबो ड्रिंक ऑर्डर किया है और इसने किया वर्जिन मोहितो, जो कि ये हमेशा वर्जिन मोहितो ही पीती है. एक्चुअली ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना हम लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए भी ये है ना, पर ट्राई करके वो अच्छा भी लगता है. इसके बाद हम लोग थाली ऑर्डर करेंगे. थाली में मुझे तो चिकन पसंद है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए शायद मैं मटन ऑर्डर कर दूँ, बट देखते हैं, या फिर फ़िश करती हूँ. फिश भी मुझे पसंद है पर मटन मुझे पसंद है. थोड़ा मेरा नाक बंद है इसलिए थोड़ा बोलूँगी तो कभी कभी ऐसे कुछ वर्ड्स क्लियरिटी में नहीं आएंगे, जैसे कि फिश बोल रही हूँ. ठीक है गाइस, थोड़ा डिफरेंट है. ऑरेंज ऑरेंज टेस्ट आ रहा है, लेमन लेमन टेस्ट आ रहा है. तो ये तो मोहितो तो है, अब भूल जाएगी सब. बहुत ही अच्छा है, वर्जिन मोहितो बहुत टेस्टी है. मतलब उसके सामने ये कुछ भी नहीं है. बोली थी ना इसके सामने जीरो है. मुझे पाइनएप्पल मिला है, ठीक है, और मुझे बहुत थोड़ा गेहूँ मिला है. मुझे भी मिला है, और चेरी भी है पास में ना, छोटा है. अच्छा नहीं लगता. থালিতে কিছু রিফিল করা যাবে আপনাদের দিক থেকে কি আপনার নন ভেজ বাদে আপনি জানেবেন 11 টাকা আপনি মোচা ডাল শুক্তো চাটনি জানেবেন 11 টাকা 11 রুপিস ওনলি জানেবো মানে রিফিল করলে রাইস নিলে 11 টাকা 11 টাকা নন ভেজ বাদে জানেবো 11 টাকা
ওটা ডাল আছে ম্যাডাম দুটোই ডাল হ্যাঁ একটা ছোলার ডাল লুচির সঙ্গে আরেকটা ডাল আছে ভাতের সাথে আচ্ছা ছোলার ডাল লুচির সাথে এটা ছোলার ডাল আছে লুচির সাথে আর এটা আছে ভাতের সাথে আচ্ছা এটা আছে ভাতের সাথে আচ্ছা तो गाइस यहाँ पे हमारी थाली आ चुकी है देख सकते हो राइस है यहाँ पे और यहाँ पे है लूची मतलब पूड़ी जो हम हिंदी में बोलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो पापड़ है आलू भाजा है एंड यहाँ पे साग है लाल साग और करेले की भाजी है एंड यहाँ पे है दाल यहाँ पे है चना का दाल जो कि पूड़ी के साथ खाएंगे हम और ये है मोचा घंटो बंगाली में बोलते हैं मोचा घंटो और ये है सुप्तो जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में और मीठे में है हमारे पास यहाँ पे रेड चटनी है टमाटो का और यहाँ है पाइस और मेनली जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ ये है मटन और यहाँ पे है चिकन चिकन ऑर्डर किया उसने बाकी सब उसकी थाली में भी सेम है पहले लूची खाना है फिर खाना है सुप्तो ओ अच्छे उच्छे उच्छे मतलब कि करेला तो गाइस ये रहा सुक्तो देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है तो गाइस मोचा ट्राई कर रही हूँ अभी मैं नारियल है चना है बहुत अच्छा है टेस्टी दाल को ट्राई करूंगी आलू भाजा के साथ तो गाइस अभी सुष्मिता चिकन ट्राई करने वाली है और ये ट्राई करके बताएगी कैसा है टेस्ट नॉर्मल घर का जैसा होता है वैसे ही अच्छा मतलब घर के जैसा तो गाइस अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ मटन ये रहा पीस देख सकते हो तो गाइस मटन मैंने टेस्ट किया एग्जैक्टली घर के जैसा टेस्ट आ रहा है सच में घर के जैसे ही टेस्ट आ रहा है ग्रेवी का और मतलब मटन का जो पीस है घर जैसे ही है और चिकन भी मैंने टेस्ट किया ग्रेवी टेस्ट किया लास्ट में टेस्ट करके बताते हैं कैसा ये वाला पीस तू खा ले ठीक है मैंने तो तेरे से चिकन लेकर खा लिया तो मैंने इसका चिकन लेकर खा लिया तो अभी मेरे फ़र्ज़ बनता है इसको मैं अपना मटन दूँ ठीक बोल रही हूँ ना गाइस ये भी घर जैसा ही ये भी घर जैसा है ना तो तू क्या रिकमेंड करती है चिकन ना मटन मैं ग्रेवी टेस्ट चिकन में शुरू ग्रेवी चिकन का ज़्यादा अच्छा लगा मैंने चिकन का ग्रेवी खाया नहीं वैसे अभी खा लेती हूँ अच्छा। हाँ मैं खा के देख लेती हूँ तो खा के लास्ट में आपको बोलती हूँ कि कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा वैसे तो जो मटन लवर है उनको मटन ही खाना चाहिए और जो चिकन लवर है वो चिकन खाएंगे
गाइस चटनी पापड़, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक हो रहा है एक्चुअली, चिल्ला चिल्ला के बोल। एंड गाइस ये है पायस खीर, आप सब खाओ। तो गाइस खा पीकर हो चुका है, बाहर बैठे हैं क्योंकि इतना ज्यादा खा चुके हैं हम लोग कि थोड़ा चलने में दिक्कत आ रहा है। तो लास्टली आप लोग को बता देना चाहूंगी खाना कैसा लगा। खाना बहुत ही अच्छा था, घर के जैसा खाना था, टेस्ट भी घर के जैसा था और क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। बासमती चावल था, राइस भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था और मटन से ज़्यादा मुझे चिकन अच्छा लगा। तुझे एक्चुअली मैं ना एक्चुअली मटन फैन नहीं हूँ, ज़्यादा ऑयली ऑयली मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे मटन इतना खास लगता नहीं है। तो जो भी हो ऑल दो बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ लगा मिलाकर। स्टाफ का बिहेवियर गाइस प्लीज़ नॉइस को थोड़ा क्या बोलूँ, पीछे इतना ज़्यादा गाड़ी वाड़ी आ रहा है, आवाज़ आ रहा होगा। जो भी हो स्टाफ भी बहुत अच्छा था और मैं ज़रूर फिर से आऊँगी, फैमिली को लेकर आऊँगी क्योंकि इस प्राइस रेंज में, मतलब कि 270 का था मटन थाली और 200 का था चिकन थाली, इस प्राइस रेंज में अगर आपको इतना सब खाने को मिलता है, क्वालिटी इतना अच्छा मिलता है, तो आना तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा गाइस, सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा, मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। जो भी हो बाय बाय बाय।